श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। सती कथा में कही थी कि नवरात्रे एकम से प्रारंभ नहीं होते, अरे अमावस्या की रात्रि से प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं नवरात्र। क्योंकि नवमी के दिन माता जी का विसर्जन हो जाता है, जवारों का विसर्जन हो जाता है, व्रत करने वाले कन्या पूजन भोजन भंडारा कराकर विराम दे देते हैं, तो नवमी की रात्रि उसमें नहीं जुड़ा पाती। उसमें रात्रि अगर जुड़ती है तो ये अमावस्या की रात्रि से जुड़ना प्रारंभ होता है, तब जाकर वो नवरात्रि पूर्ण हो पाती। पितृलोक में पितृ जैसे निवास होकर भी इंतजार करते हैं, चार नवरात्रे हैं तो चार ही श्राद्ध हैं। आज मौनी अमावस्या है, श्राद्ध का विराम हो जाता है और कथा अर्थात नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं दूसरे दिन। तो यहाँ शास्त्र कर जैसे हमें प्रतीक्षा रहती है कोई अच्छे कार्य की, कि घर में कोई शुभ कार्य हो, घर में कोई अच्छा आयोजन हो तो अपने को आनंद होगा, प्रसन्नता होगी। उसी तरह हमारे जो पूर्वज चले गए, जो पूर्वज चाहे वो अधोगति में गए हों, चाहे वो देवगति में गए हों, चाहे वो पितृलोक में निवास कर रहे हों, तो जितने भी पितृलोक में निवास करने वाले पूर्वज होते हैं वो भी ये विचार करते हैं कि हमारे घर के वंश द्वारा, हमारे वंशजों द्वारा कोई ऐसा सत्कर्म हो जिससे हमारे जीवन की वितृप्ति हो और हमें आनंद की अनुभूति हो। और ध्यान दीजिएगा महाराज, आपको चैत्री नवरात्र का स्मरण होगा, आपको शरदीय नवरात्र का स्मरण होगा, पर जो आषाढ़ में और माघ में जो नवरात्रे पड़ते हैं इसका एक आनंद ही दूसरा रहता है। बस इतना जरूर होता है कि दुनिया के लोग वो जो दो नवरात्रे होते हैं उसमें कलश की स्थापना भी करते हैं, देवी का पूजन भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, मंदिरों में भीड़ भी रहती है और खूब प्रेम से माता का जगराता वगैरह सब होता है, पर ये जो नवरात्रे हैं दो गुप्त नवरात्रे, इनका लोगों को स्मरण नहीं था। वो तो धीरे धीरे ये टीवी चैनल के माध्यम से कथाकारों ने वक्ताओं ने स्मरण कराना जब चालू करा, धीरे धीरे बताना मार्गदर्शन करना जब चालू करा, तब लोगों को ज्ञात होता गया कि कोई गुप्त नवरात्रा भी होता है, उसमें भी देवी की आराधना होती है। ये चारों नवरात्रे अलग अलग अवस्था के हैं, अलग अलग सुख के हैं और अलग अलग आनंद के। आपके घर में पितृ दोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, मन छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रख कर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छाँव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं, अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। और नवरात्र में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज, ज्योत का विधान है, नवरात्र में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है, ज्योत का भी विधान है, जिसके यहाँ दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण करा हो, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है, पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज
वो वैभव को देती है, और उत्तर की ओर जो मुख कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाएं, अगर आपको लगाना है पूर्व की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवन चैत्र नवरात्र में, शरदीय नवरात्र में, आषाढ़ी नवरात्र में, आधिकाधिक पौष नवरात्र में हम जगत जननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों कर, कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं। आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान ओघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल, तो जगत जननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, ये आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है, उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। अष्टमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ या नवमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ, पर देवी भागवत तो कहती है, देवी भागवत तो वर्णन करती है कि पहले नवरात्रे से लेकर नवमी तिथि तक जितने दिन देवी के होते हैं, प्रत्येक दिन में आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हो, पहली रात्रि से लेकर, पहला दिन से लेकर। पर 90 दिन तो सवेरे पूजन करके, यज्ञ करके, अनुष्ठान करके देवी को विसर्जन कर दिया, फिर नवरात्रि पूर्ण कैसे हो? नवरात्रि की पूर्णता होती है अमावस्या की रात से गिनी जाती है। कौन से दिन से गिनते हैं? अमावस्या की रात्रि, फिर एकम की रात्रि, फिर दूज की रात्रि, ऐसे गिनते गिनते अष्टमी की रात्रि तक, और नौमी के दिन सुबह तक या दोपहर तक या शाम तक जब तक आप यज्ञ ना करें तब तक ये 9 रात्रियां पूर्ण गिनी जाती है महाराज, देवी भागवत के हिसाब से पूर्णता। अब हमने कन्या भोजन का जो क्रम बनाया, अष्टमी के दिन करा देंगे, नौमी के दिन करा देंगे, इस तिथि को करा देंगे, पर भाव देखिए, शास्त्र कहता है भूखे को भोजन जब कराइए जब उसको भूख लगी हो, और ऐसो को कराइए जिसको जरूरत पड़ रही है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।